इस ब्रह्मांड में शक्ति का साम्राज्य है। ज्ञान की महत्ता तो है, परंतु ज्ञान का साम्राज्य नहीं रहा है। ज्ञान पर शक्ति भारी होती चली गई। इस जगत में जो जितना शक्ति संपन्न है, जो जितना सामर्थ्यवान है, वो उतना ही श्रेष्ठ, लोक पूज्य, प्रसिद्ध और विख्यात होता है। शक्ति संपन्न होने के लिए सिद्धियां प्राप्त करो, विभूतिवान बनो, और इन सबके लिए आवश्यक है कि इस आश्रम के लिए स्वयं को समर्पित कर दो, क्योंकि ये आश्रम जन जागरण का केंद्र है। अपनी शेष चिंता भूलकर केवल इसके लिए सोचो, सोचो कि तुम इस आश्रम के हो, इस गुरुकुल के हो। तुम स्वयं को हमें सौंप दो, हम तुम्हें प्रख्यात विख्यात कर देंगे, इतिहास में अमर कर देंगे, सदियों तक लोग तुम्हें पूछते रहेंगे। ये युग की मांग है और इस मांग की पूर्ति प्राणार्पण से करनी है। नवज्योति आश्रम के अध्यक्ष, महान तांत्रिक और विख्यात ज्योतिषी आचार्य अकुलानंद अपने आश्रम में विद्यार्थियों को अपने अध्यापन के समय कह रहे थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शक्ति एवं सामर्थ्य जीवन का पर्याय है। जीवन में अनगिनत सिद्धि प्राप्त करो और विख्यात बनो, ताकि कोई तुम्हारा सामना ना कर सके। तुम में तूफान को मोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। मुझे डरपोक नहीं, कायर नहीं, नपुंसक नहीं, मुझे जाबाज सिपाही चाहिए। आश्रम के बड़े हॉल में सभी विद्यार्थी मौन थे, अपने आचार्य को सुन रहे थे। इसी बीच विरक्त खड़ा होकर बड़े विनम्रता परंतु दृढ़ता के साथ बोला, आचार्य मैं डरपोक नहीं, कहिए हमें क्या करना है। आपकी आज्ञा हो तो मैं पल भर में अपना सर काटने के लिए तैयार हूँ, या फिर किसी दूसरे का सर आपके चरणों में अर्पित भी कर सकता हूँ। आप केवल आदेश करें, मुझमें अपार साहस है। मैं सृष्टि में किसी भी चीज से और किसी से भी नहीं डरता। आचार्य अपने इस प्रिय शिष्य को भली भांति जानते थे। वो ये भी जानते थे कि इस महान ज्ञानी और तपस्वी शिष्य को यहाँ लाने हेतु उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ा है। विरक्त यहाँ कभी भी आना नहीं चाहता था, और ना वो यहाँ आकर प्रसन्न है। वो तो केवल अपना भाग्य का भोग काटने आया है। वो अत्यंत निर्भीक है, वो अत्याचार नहीं सह सकता, लेकिन अपना सर्वस्व त्यागने में भी नहीं हिचकिचाता। विरक्त को अपने पास रखने के लिए आचार्य को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस संसार में उसका मन लगता नहीं था। त्रिलोक में ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं जो उसको आकर्षित कर सके। विवेक और वैराग्य उसकी सबसे बड़ी संपदा थी। यही उसका अस्त्र शस्त्र था, जिसकी कोई काट आचार्य के पास नहीं थी। उसे पुस्तक पढ़ने का बेहद शौक था, ज्ञानार्जन उसका व्यसन था, तपस्या उसके रग रग में समाई हुई थी। उसकी तपस्या से आचार्य घबराते नहीं थे, किंतु गुरु माता अर्पिता देवी शंकित होती रहती थी। विरक्त के बहुमुखी व्यक्तित्व के सामने गुरु भाइयों का व्यक्तित्व अत्यंत धुंधला और दुर्बल सा लगता था। उसके गुरु भाई सदैव रुग्ण और कमजोर रहते थे। सभी क्षेत्रों में वे अशक्त और अयोग्य सिद्ध होते थे। गुरु माता को केवल अपने संतानों का ध्यान रहता था। चूंकि विरक्त को आचार्य ने बलात् बुला रखा था, इसलिए वे उसका ध्यान रखते थे। परंतु पता नहीं क्यों गुरु माता के हट के सामने वे मौन हो जाते थे कि अपने संतानों को किसी भी कीमत पर विरक्त से बड़ा बनाना है। आश्रम को खड़ा करने में अर्पिता माता का त्याग और बलिदान अभूतपूर्व था। वे अपना सर्वस्व अपने पति और आश्रम के लिए अर्पित कर चुकी थी। इसी कारण आचार्य अपनी पत्नी की हर मांग के सामने बेबस हो जाते थे। आज तो उनकी बात इतनी भीषण और भयावह थी कि जिसे सुनकर आचार्य का हृदय कांप उठा। आचार्य तंत्र विद्या के निष्णात तांत्रिक थे, उन्हें तंत्र का विशद ज्ञान था। ये बात माता अर्पिता जानती थी। माता ने आचार्य से कहा कि आप अपने संतान का भोग विरक्त में डाल दें, वो सक्षम है, इसे झेल जाएगा। इससे अपने संतान को विकसित होने में सहायता मिलेगी। रही बात विरक्त की, तो वो यहाँ अपना भोग काटने आया है, दो चार का और सही, उसे क्या फर्क पड़ता है। माता ऐसी कुटिल योजना बना चुकी थी और आचार्य से भी इसका अनुमोदन प्राप्त हो गया था। विरक्त का आज जन्मदिन था। वो प्रातः आचार्य को प्रणाम करने गया। हालांकि उसे अपने जन्मदिन में कोई रुचि नहीं थी। आचार्य ने कहा, आओ पुत्र मेरे पास बैठो। विरक्त ने आचार्य के चरण छुए और पास ही बैठ गया। आचार्य ने कहा, पुत्र आज तुम्हारा जन्मदिन है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जो कुछ मांगना है
आज अपना दिल खुलकर मांग लो। विरक्त आचार्य की इन बातों से मुस्कुरा दिया और उसने कहा, आचार्य मुझे ना तो आपके आश्रम से कोई लेना देना है और ना ही आपसे ही कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप दे सकते हैं और आप में सामर्थ्य है तो मुझे आध्यात्म की शक्ति दीजिए, केवल आध्यात्म, न इससे कम न इससे अधिक। हाँ एक चीज और, इस जन्म में मेरा समस्त भोग काट दीजिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई क्लिष्ट रोग ही क्यों ना हो जाए। मैं केवल अपने भोग काटने की बात कह रहा हूँ, किसी और का नहीं। ध्यान रखे आचार्य, मेरी यही इच्छा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। विरक्त की इस निश्चल और निर्मल बात से आचार्य का हृदय छलक उठा, आंखों से आंसू बरसने लगे, परंतु इस परम प्रिय शिष्य के लिए किए गए स्वयं के छल और षड्यंत्र से वे स्वयं कांप गए। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, पुत्र ये तुम्हारा कौन सा जन्मदिन है? विरक्त ने उत्तर दिया, 19वां। ये जन्मदिन तुम्हारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आज प्रदान कर रहा हूँ वैसा तुम्हें कोई नहीं दे सकता। जाओ पुत्र, आज का दिन तुम्हारे लिए अभूतपूर्व होगा। विरक्त अपने गुरु पर बेहद विश्वास करता था, अगाध विश्वास, अंधविश्वास। उनके बातों पर वो कभी भी किंतु परंतु नहीं करता था। इसके पूर्व ये विश्वास और श्रद्धा परमात्मा के प्रति समर्पित था। आचार्य ने उस दिन ये भी कहा था कि पुत्र तुम मुझे अपने को सौंप दो, आज से तेरी समस्या मेरी समस्या है, तेरे घर की सारी समस्या मेरी समस्या होगी, तुम केवल मेरा चिंतन करो, बस मेरा। उसने वही किया जो गुरु ने कहा था। आज के जन्मदिन में गुरु माता की कुटिल चाल सफल हो गई थी। आचार्य ने अपने ही शिष्य को पता नहीं कितने जंजाल में बांध दिया था। पुत्र मोह ने गुरु माता को और भगवान बनने की चाह ने आचार्य को पता नहीं किस अधर्म के पद पर खींच लिया था। विरक्त का फिर समस्त दृश्य और अदृश्य सहयोग बंद हो गया, स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। दशकों की इस गंभीर समस्या से जूझते जूझते उसका शरीर जर्जर हो गया। विरक्त को इस षड्यंत्र का पर्दाफाश तब हुआ जब सब कुछ समाप्त हो चुका था। उसकी देह केवल जीवित रहने के लिए बची थी। इस देह से तपस्या करने की उसकी तीव्र उत्कंठा मात्र कल्पना बनकर ही रह गई थी। वो चाहता था कि अपने भोग को कुछ तपस्या करके और कुछ भोग करके काट निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विरक्त को कुछ दिन से भीषण ज्वर था। वो प्रातः आश्रम परिसर में टहल रहा था। गुरु माता ने उसे देखा और अपने पास बैठने के लिए कहा। अनमने ढंग से वो उनके पास बैठ गया। माता ने कहा, पुत्र मेरी बात मान लो, तुम्हारे अंदर शक्ति का तूफान उमड़ने लगेगा। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। विरक्त ने जवाब दिया, क्षमा करे माता, मुझे शक्ति नहीं सत्य चाहिए। शक्ति अर्जन करना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा लक्ष्य तो सत्यान्वेषण करना, सत्यानुसंधान करना है। मैं केवल सत्य चाहता हूँ, सत्य हो तो मुझे बताएं। गुरु माता खामोश थी, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। विरक्त ने आगे कहा, हे माता, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, मुझ पर ऐसा कटाक्ष क्यों? कोई पुत्र भला अपनी माता का बुरा चाहता है? मैं तो अपना जानता हूँ, आप अपना सोच लें। जो बंधन मुझे दिया गया है उसे मैं एक दिन अवश्य काट कर फेंक दूंगा। मैं तो सदा सन्मार्ग पर ही चला हूँ, वो सदाचरण पर विश्वास करता हूँ। ध्यान रहे, सत्कर्म कभी नहीं हारता। समय के साथ वो भले ही धुंधला जाए, परंतु अंत में इसी की विजय होती है। इतना कहते हुए वो धीरे धीरे वहां से निकल गया। माता का निष्ठुर हृदय कभी भी उसकी संवेदनशीलता को समझ नहीं पाया। समय के साथ विरक्त मुक्त हो गया, पर उसके गुरु क्लिष्ट बंधनों में फंस गए। यही तो विधाता का खेल है और यही नियति भी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।